हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ राजू शर्मा। और आज मैं जो लास्ट क्लास में मैंने आपको टॉपिक पढ़ाया था केमिस्ट्री में द्रव्य का वर्गीकरण, उसी टॉपिक के ऊपर दो क्वेश्चंस बोर्ड पर लिखे हुए हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित को शुद्ध पदार्थ और मिश्रण में वर्गीकृत कीजिए। निम्नलिखित को शुद्ध पदार्थ और मिश्रण में वर्गीकृत कीजिए। अब कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं? पहला है ग्रेफाइट, दूसरा है दूध, तीसरा है पीतल, चौथा है तांबा, पांचवा है शरबत, छठा है आइसक्रीम, सातवां है ग्लूकोज, आठवां है आइसक्रीम, नौवां है वायु और दसवां है 24 कैरेट गोल्ड। इनको शुद्ध पदार्थ और मिश्रण में वर्गीकृत करना है। शुद्ध पदार्थ और मिश्रण में वर्गीकृत करना है। तो आप देखिए, ग्रेफाइट, दूध, पीतल, अब इनमें शुद्ध पदार्थ कौन कौन से हैं? ग्रेफाइट शुद्ध पदार्थ, दूध नहीं है, पीतल नहीं है, तांबा शुद्ध पदार्थ है, ग्लूकोज शुद्ध पदार्थ है, ऑक्सीजन शुद्ध पदार्थ है, 24 कैरेट गोल्ड शुद्ध पदार्थ। ठीक है, क्यों? क्योंकि इनमें तत्वों का जो अनुपात है वो निश्चित है। जैसे ग्लूकोज है, ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। इसमें कार्बन 6 है, हाइड्रोजन 12 है, ऑक्सीजन 6 है। तो शुद्ध पदार्थ में कौन कौन से आते हैं? एक तत्व आते हैं और दूसरा यौगिक आता है। तो तत्व और यौगिक के सारे एग्जांपल हम शुद्ध पदार्थ में लेंगे। इसमें लेंगे शुद्ध पदार्थ में, तो मैंने कहा ग्रेफाइट, तांबा, ग्लूकोज, ऑक्सीजन, 24 कैरेट गोल्ड क्या है? शुद्ध पदार्थ। इसके अलावा आपका जो दूध है वो मिश्रण है, पीतल मिश्रण है, दूध में पानी और फैट यानी वसा का मिश्रण होता है, पीतल में कॉपर जिंक का मिश्रण होता है, शरबत पानी चीनी और शरबत का मिश्रण है, आइसक्रीम भी मिश्रण है, वायु अनेक गैस होती है उनका मिश्रण है। तो ये मिश्रण कौन कौन से हुए? ग्रेफाइट, दूध, पीतल, शरबत, आइसक्रीम और वायु, ये आपके मिश्रण है। शुद्ध पदार्थ कौन कौन से हैं, समझ में आ गया होगा। दूसरा क्वेश्चन मेरा यहाँ पे लिखा हुआ है, निम्नलिखित को तत्व यौगिक व मिश्रण में वर्गीकृत कीजिए। निम्नलिखित को तत्व यौगिक व मिश्रण में वर्गीकृत कीजिए। तो बेटा इसमें जो एग्जांपल है, उदाहरण है, संगमरमर, चीनी, नमक, सीमेंट, वायु, कॉल्ड्रिन, पारा, एल्युमिनियम, हाइड्रोजन, सोडियम, गंधक का तेजाब, टूथपेस्ट। तो बेटा आपको पहले तत्व चाहिए। तत्व कौन कौन से हैं? देखो, एक तो पारा, ये आपका तत्व है। पारा क्या है? तत्व है। एल्युमिनियम क्या है? तत्व है। हाइड्रोजन क्या है? तत्व है। सोडियम क्या है? तत्व है। समझ में आया? मैंने लिखा पारा, एल्युमिनियम, हाइड्रोजन, सोडियम, ये सभी तत्व हैं। ठीक है, अब मैं यौगिक पे आता हूं। संगमरमर आपका यौगिक है। संगमरमर क्या है? यौगिक। चीनी आपका यौगिक है। नमक आपका यौगिक है। इधर आइए, गंधक का तेजाब आपका यौगिक है। गंधक का तेजाब भी क्या है? यौगिक है। इसके अलावा सीमेंट आपका मिश्रण है। सीमेंट सॉरी, ये आपका यौगिक है। चीनी गलत है क्या? यौगिक, यौगिक, उधर मैंने इसको यौगिक लिख दिया। अब देखिए, मैंने कहा तत्व कौन कौन से हैं? पारा, एल्युमिनियम, हाइड्रोजन और सोडियम। यौगिक कौन कौन से हैं? संगमरमर, चीनी, नमक भी यौगिक है, वायु यौगिक नहीं है, ऑल्ड्रिक्स यौगिक नहीं है, गंधक का तेजाब यौगिक है। अब आ गया ये वायु क्या है, सीमेंट क्या है? सीमेंट आपका मिश्रण है। सीमेंट क्या है? मिश्रण है। वायु आपका क्या है?
मिश्रण है, ठीक है, कोल्ड ड्रिंक्स आपका क्या है, मिश्रण है, ठीक है। इधर आइए, टूथपेस्ट आपका क्या है, मिश्रण है। तो बेटा इनको मैंने तत्व, यौगिक और मिश्रण में वर्गीकृत किया है, क्यों किया है, क्योंकि तत्व तो एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बनता है, तो पारा है, एल्यूमिनियम है, हाइड्रोजन है, सोडियम है, एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बने, इसलिए इनको मैंने तत्व कहा है। यौगिकों का मैंने संगमरमर, चीनी और गंधक के तेजाब को, क्योंकि इनका जो सूत्र है वो निश्चित है, इनका जो सूत्र है वो निश्चित है, उनमें तत्वों का या परमाणुओं का जो अनुपात है वो निश्चित है, इसलिए उनको मैंने यौगिक कहा है। जबकि सीमेंट, वायु, कोल्ड्रिंक और टूथपेस्ट, इनमें जो घटक है उनका अनुपात अनिश्चित है, इसलिए मैंने इन्हें मिश्रण में रखा। क्लियर हो गया। अब मैं अगले टॉपिक पे आता हूँ, उससे पहले बता दूं दोनों क्वेश्चन आपकी बुक में है, इनको अच्छी तरह करें, आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए ऐसे वर्गीकृत करने के लिए, अच्छी तरह प्रैक्टिस करें और भी एग्जांपल आप मन से लेके आगे कर सकते हैं। अगला जो मेरा टॉपिक है वो टॉपिक है द्रव्य के गुणधर्म। अगला जो टॉपिक मैं लेने जा रहा हूँ वो है द्रव्य के गुणधर्म। द्रव्य के गुणधर्म, पहले द्रव्य का वर्गीकरण किया हमने, ठीक है, अब मैं द्रव्य के गुणधर्म में आ रहा हूं। तो बेटा कोई भी द्रव्य, द्रव्य का मीन समझते हैं कोई भी पदार्थ, ठीक है, पदार्थ का मीन जो स्थान घेरता है जिसमें द्रव्यमान होता है उसको हम द्रव्य कहते हैं, ठीक है। द्रव्य दो प्रकार के गुणधर्म प्रदर्शित करता है, नंबर एक है भौतिक गुणधर्म, पहला है भौतिक गुणधर्म और दूसरा है रासायनिक गुणधर्म। पहला भौतिक गुणधर्म और दूसरा रासायनिक गुणधर्म। तो भौतिक गुणधर्म क्या होते हैं बच्चों, किसी भी द्रव्य के वे गुणधर्म जो उस द्रव्य के रासायनिक संगठन में परिवर्तन किए बिना या उसकी पहचान में परिवर्तन किए बिना मापे जा सके उन्हें भौतिक गुणधर्म कहते हैं। दोबारा सुने, किसी भी द्रव्य के वे गुणधर्म जो द्रव्य के रासायनिक संगठन में या उसकी पहचान में परिवर्तन किए बिना मापे जा सके उन्हें हम द्रव्य के भौतिक गुणधर्म कहते हैं। जैसे क्वथनांक है, जैसे क्वथनांक, विमान, रंग, घनत्व, और देखिए अपवर्तनांक इत्यादि, ये जो गुणधर्म मैंने लिखे और भी हैं, ये सारे जैसे भौतिक गुणधर्म, इन्हें द्रव्य के रासायनिक संगठन में परिवर्तन किए बिना हम माप सकते हैं, तो इन्हें हम कहते हैं भौतिक गुणधर्म। अगला है रासायनिक गुणधर्म। रासायनिक गुणधर्म, तो मैंने अभी डेफिनेशन बताई रासायनिक गुणधर्म की, कि वे द्रव्य के वे गुणधर्म जो द्रव्य के रासायनिक संगठन तथा उसकी पहचान में परिवर्तन करने के पश्चात मापे जा सके। द्रव्य के वे गुणधर्म जो द्रव्य के रासायनिक संगठन और उसकी पहचान में परिवर्तन करने के बाद मापे जा सके उन्हें हम रासायनिक गुणधर्म कहते हैं। अब रासायनिक गुणधर्म, जैसे हम किसी का ऑक्सीकरण कर रहे हैं तो ये रासायनिक गुणधर्म है, किसी का अपचयन कर रहे हैं तो ये रासायनिक गुणधर्म है, किसी का अपघटन कर रहे हैं ये रासायनिक गुणधर्म है, किसी का प्रतिस्थापन कर रहे हैं तो ये रासायनिक गुणधर्म है, इत्यादि। यानी जो 10th क्लास में आपने रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार पढ़े हैं वो सब कौन किसमें आते हैं, रासायनिक गुणधर्म में, इसमें आते हैं रासायनिक गुणधर्म में। तो ये मेरा आज का पहला टॉपिक था द्रव्य के गुणधर्म। अब मैं बात करूंगा बेटा द्रव्य का मापन, द्रव्य का मापन किस प्रकार से किया जाता है, अभी आपके सामने मैं करता हूं। तो बच्चों अगला जो मेरा टॉपिक है वो है
द्रव्य का मापन व मापन की इकाइयां, द्रव्य का मापन व मापन की इकाइयां, ये मेरा अगला टॉपिक है। और इस टॉपिक की बात करते समय मैं आपको बता दूं कि सन 1960 से पहले, सन 1960 से पहले अलग अलग कंट्रीज में, अलग अलग देशों में पदार्थ का मापन करने के लिए, द्रव्य का मापन करने के लिए अलग अलग भौतिक अलग अलग इकाइयों को प्रयुक्त किया जाता था, ठीक है। लेकिन सन 1960 के बाद एक कॉन्फ्रेंस हुई। उस कॉन्फ्रेंस में साइंटिस्टों ने मापन के लिए एक सिस्टम बनाया, जिस सिस्टम को हम कहते हैं SI सिस्टम, सिस्टम इंटरनेशनल, यानी पूरे विश्व में जो सिस्टम जाना जाए उस सिस्टम को कहते हैं SI सिस्टम। और SI सिस्टम में तीन पद्धतियों को प्रयुक्त किया गया। कौन कौन सी पद्धतियां हैं वो देखिए, एक है MPS, एक है CGS और एक है FPS। तीन पद्धतियां हैं MKS, CGS और FPS। MKS में M है मीटर, K है किलोग्राम, S है सेकेंड। CGS में C है सेंटीमीटर, G है ग्राम, S है सेकेंड। FPS में F फुट, P पाउंड और S सेकेंड। इन तीन पद्धतियों से SI सिस्टम बना। और SI सिस्टम में दो प्रकार की राशियां मानी गई और उनके लिए दो प्रकार की मात्रकों, इकाइयों को प्रयुक्त किया गया। एक राशि होती है बेटा मूलभूत राशि और दूसरी है व्युत्पन्न राशि। एक है मूलभूत राशि और दूसरी है व्युत्पन्न राशि। मूलभूत राशि क्या होती है? वह राशि जिसे अन्य किसी राशि के द्वारा व्युत्पन्न ना किया जा सके, या जिसके मात्रक को अन्य किसी राशि के द्वारा व्युत्पन्न ना किया जा सके, अन्य किसी मात्रक के द्वारा व्युत्पन्न ना किया जा सके या प्राप्त ना किया जा सके, उसे मूलभूत राशि कहते हैं। और व्युत्पन्न राशियां क्या होती है? वे राशियां जो मूलभूत राशियों से प्राप्त होती है, वे राशियां जो मूलभूत राशियों से प्राप्त होती है उन्हें व्युत्पन्न राशियां कहते हैं। और वे मात्रक जो मूलभूत मात्रकों से प्राप्त होते हैं या वे मात्रक जो मूलभूत मात्रकों से व्युत्पन्न किए जाते हैं उन्हें व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं, ठीक है। अब मूलभूत राशियां हमारे साइंटिस्टों ने सात मानी है, और वो सात कौन कौन सी है? पहली है द्रव्यमान, दूसरी है लंबाई, तीसरी है समय, चौथी है ताप, पांचवी है विद्युत धारा, छठी है ज्योति तीव्रता, सातवीं है द्रव्यांश। ये सात मूलभूत राशियां हैं, पहली द्रव्यमान, दूसरी लंबाई, तीसरी समय, चौथी ताप, पांचवी विद्युत धारा, छठी ज्योति तीव्रता, सातवीं द्रव्यांश। इनके लिए प्रतीक द्रव्यमान के लिए कैपिटल M, लंबाई के लिए L, समय के लिए T, ताप के लिए कैपिटल T, समय के लिए स्मॉल T है, ताप के लिए कैपिटल T है, विद्युत धारा के लिए I है, ज्योति तीव्रता के लिए IV है, द्रव्यांश के लिए N। फिर मात्रक क्या होगा? द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होगा, जिसका प्रतीक kg होता है। लंबाई के लिए मात्रक मीटर होगा, जिसका प्रतीक स्मॉल m होता है। समय के लिए मात्रक सेकंड होगा, जिसका प्रतीक s होता है। ताप के लिए मात्रक केल्विन होगा, जिसका प्रतीक कैपिटल K है। विद्युत धारा के लिए मात्रक एम्पियर होगा, जिसको AMP प्रतीक के रूप में यूज में लेते हैं। ज्योति तीव्रता कैंडेला और इसका प्रतीक है CD। और द्रव्यांश का मात्रक है मोल और इसको स्मॉल n से रिप्रेजेंट करते हैं। इससे रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल n से। तो ये जो सात राशियां मैंने आपको बताई हैं, सबसे पहले तो अपने दिमाग में डाली है ये सातों राशियां मूलभूत राशियां हैं और इनके जो मात्रक प्रयुक्त हो रहे हैं उनको मूलभूत मात्रक कहते हैं। और मूलभूत मात्रकों से जिन मात्रकों को व्युत्पन्न किया जाए, प्राप्त किया जाए, उन्हें व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं और उनकी राशियों को व्युत्पन्न राशियां कहते हैं। समझ में आ गया?
तो ये मैंने अभी आपको मूलभूत राशियों के बारे में बताया, अब मैं आगे आपको व्युत्पन्न राशियों के बारे में बताता हूँ। तो हम बात करने जा रहे हैं व्युत्पन्न राशियां, व्युत्पन्न राशियां और इनके मात्रा व मात्रा। तो बेटा जैसे मैं फर्स्ट लेता हूं क्षेत्रफल, क्या लेता हूं क्षेत्रफल। आप क्षेत्रफल सभी जानते हैं क्या होता है क्षेत्रफल, लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई सभी जानते हैं, यही तो है क्षेत्रफल का सूत्र। और अब यदि मैं एमटीएस में बात करूं तो बेटा लंबाई चौड़ाई दोनों क्या है, लंबाई में मीटर में काउंट होगी एमटीएस पद्धति में, तो इसको मीटर इंटू मीटर तो क्या आएगा मीटर स्क्वायर। तो मीटर स्क्वायर एमटीएस पद्धति में क्षेत्रफल का मात्रक हो गया। तो क्षेत्रफल कैसी राशि है व्युत्पन्न, और इसका जो मीटर स्क्वायर मात्रक आया वो भी व्युत्पन्न मात्रक है, कौन सी पद्धति में एमटीएस में। सीजीएस में भी हम बात करते हैं तो मीटर को किसमें लेते हैं सेंटीमीटर में, इनटू सेंटीमीटर तो मात्रक आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर, ये सीजीएस में आ गया। क्लियर हुआ। दूसरा मैं लेता हूं आयतन, दूसरा मैं लेता हूं आयतन। आयतन का सूत्र क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, यही है ना। अगर एमटीएस में बात करें तो तीनों को मीटर में लेंगे, मीटर गुणा मीटर गुणा मीटर क्या आया मीटर क्यूब, ठीक है। और सीजीएस में भी हम बात करें सीजीएस में मीटर को सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर क्या आएगा सेंटीमीटर क्यूब, ये एमटीएस में आ गई और ये सीजीएस में आ गई। तो क्षेत्रफल और आयतन की इकाइयां एमटीएस और सीजीएस दोनों पद्धतियों में आपको पता चल गई। अब जैसे मैं थर्ड ले रहा हूं घनत्व, क्या ले रहे हैं घनत्व, घनत्व क्या होता है घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन, द्रव्यमान बटा आयतन यही होता है। तो देखिए द्रव्यमान को किसमें लिखते हैं एमटीएस पद्धति की बात कर रहा हूं, एमटीएस में द्रव्यमान किलोग्राम का होता है बटा में आयतन की इकाई एमटीएस में मीटर क्यूब, तो क्या आ गया किलोग्राम पर मीटर क्यूब आ गया ना। और सीजीएस में भी हम बात करें तो किलोग्राम को किस में लेंगे ग्राम में, अपॉन मीटर को सेंटीमीटर में, सीजीएस में नीचे लिखा हुआ आयतन का तो आपकी इकाई आ गई ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये मैंने घनत्व की इकाई आपको बताई, आया बेटा समझ में। अब मैं आगे बात करता हूं आगे देखिए अगला मैं लेने जा रहा हूं नंबर चार वेग, वेग वेग क्या होता है बेटा, वेग के बारे में जानते हो दूरी बटा समय, दूरी बटा समय। एक होता है चाल, तो बेटा वेग और चाल में थोड़ा सा अंतर, क्या दूरी किसी भी दिशा में हो सकती है, यानी जो चाल है वो किसी भी दिशा में हो सकती है, उसके लिए दिशा निश्चित नहीं है, वो एक अदिश राशि है, जबकि वेग एक निश्चित दिशा में होता है। दोनों का फॉर्मूला यही है चाल का भी और वेग का भी, लेकिन वेग एक निश्चित दिशा में है क्योंकि ये एक सदिश राशि है और चाल एक अदिश राशि है, उसमें दिशा नहीं होती, हम किसी भी दिशा में घूम सकते हैं। तो वेग बराबर दूरी बटा समय, और दूरी क्या है मीटर में। अब एमटीएस पद्धति में एमटीएस तो ये तो दूरी को तो मीटर में लिख दिया, समय को सेकंड में, तो इकाई आ गई मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड। और अगर सीजीएस में बात करें सीजीएस में तो मीटर को सेंटीमीटर में, सेकंड को सेकंड में ही रखना है क्योंकि दोनों में समय सेकंड में ही था, तो इकाई आ गई सेंटीमीटर पर सेकंड। आया समझ में, ये वेग की यूनिट आ गई एमटीएस और सीजीएस में। अब यदि मैं बात करूं नंबर पांच
त्वरण, त्वरण की इकाई की बात करें, त्वरण को आप जानते हैं स्मॉल a से रिप्रेजेंट करते हैं, तो त्वरण बराबर यानी स्मॉल a बराबर क्या होता है, वेग बटा समय, ये होता है वेग बटा समय। तो एमकेएस पद्धति की बात करें, एमकेएस में वेग की इकाई मीटर पर सेकेंड बटा सेकेंड, तो यूनिट आ गई आपकी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आई बेटा। सीजीएस में यदि हम बात करें मीटर को सेंटीमीटर में और सेकेंड को सेकेंड में, तो वेग की इकाई तो यही है अपॉन में सेकेंड, तो आपके आ गई सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, पर सेकेंड स्क्वायर, ये त्वरण की इकाई। बोलो बेटा सुन भाई, त्वरण की इकाई मैंने आपके सामने निकाल के दिखाई, वेग की निकाल के दिखाई, क्षेत्रफल की, आयतन की, घनत्व की, अभी और भी बहुत सारी राशियां हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे। अब मैं आपके लिए बात करने जा रहा हूं वो है बेटा नंबर 6, बल, जिसको फोर्स कहते हैं, बल का मीन फोर्स। फोर्स बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणा त्वरण, यानी F is equal to m into a, आप पढ़ के आए। तो MKS में यदि हम बात करें, MKS में क्या होगी, mk इकाई किलोग्राम द्रव्यमान की, यह कैपिटल आएगा, तो ये द्रव्यमान kg में into a क्या है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो आपका आ गया किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये यूनिट आई। और ये बराबर होती है बेटा a न्यूटन, n का मीन है 1 न्यूटन के बराबर, इसके बराबर 1 न्यूटन। और CGS में भी हम बात करें तो द्रव्यमान को लेंगे ग्राम में इनटू सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो ये आ गया आपका ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ये बराबर होता है 1 डाइम, इसके बराबर है 1 डाइम के बराबर, 1 डाइम के बराबर। तो ये आपको पता होना चाहिए 1 न्यूटन में कितने डाइम होते हैं, 10^5, 1 न्यूटन बराबर 10^5 डाइम, ये भी आपको पता होना चाहिए 1 न्यूटन बराबर 10^5 डाइम होते हैं। तो न्यूटन बड़ी इकाई है और डाइम छोटी इकाई है। तो बच्चों ये जो मैंने अभी आपको पढ़ाया है, कि अगली क्लास में भी कंटिन्यू रनिंग रहेगा, अगर आज का टॉपिक आपको पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, थैंक यू। और बेटा मेरा जो फोन नंबर है वो 8949994051 है, सभी बच्चे इस नंबर पर नोट कर लें। मेरा नाम राजीव शर्मा है, कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको आती है तो इस नंबर पे आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू बच्चों।